हाँ, पूजा आप करें वैयक्तिक। एक तो पूजा होती है सामूहिक और सार्वजनिक, जो परिवार के साथ करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है कि स्त्रियों को उन दिनों में वैयक्तिक पूजा ज्यादा करनी। वैयक्तिक पूजा माने अपने लिए ध्यान, अपने लिए प्राणायाम, अपने लिए योगासन, अपने लिए वो सब साधना की स्थिति। परिवार के लिए तो बाकी 25 दिन है ही, वो तो मरना घटना है ही, ये 5 दिन तो उसके अपने हैं, इसके लिए वो उसको कहा गया। आराम तो करना ही है, क्योंकि उष्णता बहुत है, मैंने कहा ना गर्मी बहुत होती है, शरीर में गर्मी ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़े हुए में ज्यादा काम करना अच्छा नहीं होता, इसलिए ध्यान प्राणायाम शीतलीकरण व्यायाम अपने लिए करके बाकी समय आराम के लिए ही रखना, ज्यादा काम नहीं करना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी भी वेद में ऐसा नहीं, बिल्कुल श्लोक बोल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं, वेद मंत्र बोल सकते हैं, ऐसा कहीं कोई निर्देश नहीं, पूरे ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं, अथर्ववेद में नहीं, यजुर्वेद में नहीं, उपनिषदों में कहीं नहीं, पुराणों में है, तो पुराण मनुष्य के लिखे हुए हैं इसलिए उसमें ये है, वेद मनुष्य के लिखे हुए नहीं है उसमें कहीं नहीं। सभी वेदों में इस बात की छूट है कि आप मासिक पाली के दिनों में ध्यान अपने लिए, प्राणायाम अपने लिए, प्रार्थना अपने लिए, ईश्वर के साथ संवाद अपने लिए कर सकते हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है कि चूंकि उन दिनों में हीट बढ़ी हुई है, हीट बढ़े हुए नहीं होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़े हुए के कारण काम नहीं करना अच्छा होता है, आराम करना ही अच्छा होता है। हाँ, इतनी बात समझ में आई।